हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या शुक्ला एंड वेलकम टू टारगेट विथ अंकिता। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम श्वसन एवं दहन में अंतर को समझेंगे। इससे पहले मैंने और भी टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उन्हें ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो श्वसन और दहन की क्रिया होती है, दोनों में क्या अंतर पाया जाता है, इसे हम बहुत डिटेल से समझेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि जो श्वसन एवं दहन दोनों ही क्रियाएं हैं, ये ऑक्सीकरण की क्रियाएं हैं। दोनों में ऊर्जा मुक्त होती है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये तो दोनों प्रक्रियाओं में कुछ अंतर होते हैं, उन्हीं अंतर को हम समझेंगे। लेकिन ये जो कॉमन चीज़ें हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। क्या श्वसन एवं दहन दोनों ही ऑक्सीकरण की क्रियाएँ होती हैं, दोनों में ऊर्जा मुक्त होती है और ऑक्सीजन का उपयोग होता है और CO2 जो है बनती है। तो चलिए सबसे पहला अंतर हम जानते हैं। श्वसन जो होता है, यह क्रिया जीवों में होती है। और दहन जो होती है, यह क्रिया भौतिक वातावरण में होती है। दूसरा अंतर जो होता है वह श्वसन में लिखेंगे, ऊर्जा थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई चरणों या पदों में मुक्त होती है। किस में? श्वसन में। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। ऊर्जा थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई चरणों या पदों में मुक्त होती है। और दहन में लिखेंगे, संपूर्ण ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है। किसमें? दहन में। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि संपूर्ण ऊर्जा किसमें मुक्त होती है, तो दहन में होती है, इसे ध्यान रखिएगा। अब तीसरा अंतर लिखेंगे, किसमें? श्वसन में। विमुक्त ऊर्जा यानी ATP में अनुबंधित की जाती है और संचित की जाती है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं, विमुक्त ऊर्जा। ATP में अनुबंधित की जाती है और संचित की जा सकती है। फ्रेंड्स, इस ATP के बारे में जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि ग्लूकोज की ऑक्सीकरण से मुक्त ऊर्जा को फास्फेट अणु ग्रहण करके उच्च ऊर्जा वाला फास्फेट बनाते हैं। इसे IP से प्रदर्शित करते हैं। यह IP जो होता है, यह ADP से जुड़कर ATP का अणु बनाता है। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि ATP बराबर क्या होता है। तो ATP बराबर होता है IP प्लस ADP। ये आपको समझने के लिए मैं बता दे रही हूँ। अब दहन में क्या लिखेंगे? इसमें जो होता है, विमुक्त ऊर्जा ऊष्मा व प्रकाश में बदल जाती है। विमुक्त ऊर्जा ऊष्मा व प्रकाश में बदल जाती है, ऊर्जा का संचय नहीं किया जा सकता। श्वसन में देखिए, ऊर्जा का संचय किया जा सकता है, लेकिन दहन में ऊर्जा का संचय नहीं किया जा सकता है। अगला जानते हैं, श्वसन में कौन सा अंतर है। तो नंबर 4 लिखेंगे, क्या है? ATP आवश्यकता अनुसार ऊर्जा मुक्त कर सकती है। तो यह किस में लिखेंगे? श्वसन में लिखेंगे। ATP
आवश्यकता अनुसार ऊर्जा मुक्त करती है। जिसका उपयोग कोशिकाओं द्वारा जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने में किया जाता है। और दहन में क्या लिखेंगे नंबर चार में? दहन में नंबर चार लिखेंगे पूरी ऊर्जा तेजी से विकृत हो जाती है। पांचवा अंतर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? पांचवा अंतर होता है श्वसन क्रिया एंजाइम की मदद से सामान्य दैहिक ताप पर होती है। तो श्वसन में नंबर पांच लिखेंगे श्वसन क्रिया एंजाइम की मदद से सामान्य दैहिक ताप पर होती है। फ्रेंड्स ये सामान्य दैहिक ताप जो होता है ये 25 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ दहन में क्या लिखेंगे नंबर पाँच? इस क्रिया में एंजाइम्स भाग नहीं लेते तथा यह क्रिया उच्च ताप पर होती है। इस क्रिया में एंजाइम भाग नहीं लेते तथा यह क्रिया उच्च ताप पर होती है। फ्रेंड्स फिर से देखते हैं एक बार। श्वसन जो होता है इसमें पहला लिखेंगे यह क्रिया जीवों में होती है। दहन में यह क्रिया भौतिक वातावरण में होती है। नंबर दो ऊर्जा थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई चरणों या पदों में मुक्त होती है। किसमें? श्वसन में। और दहन में संपूर्ण ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है। श्वसन में विमुक्त ऊर्जा एटीपी में अनुबंधित की जाती है और संचित की जा सकती है। दहन में विमुक्त ऊर्जा ऊष्मा व प्रकाश में बदल जाती है। ऊर्जा का संचय नहीं किया जा सकता है। नंबर चार लिखेंगे श्वसन में। श्वसन एटीपी आवश्यकता अनुसार ऊर्जा मुक्त करती है जिसका उपयोग कोशिकाओं द्वारा जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने में किया जाता है। दहन पूरी ऊर्जा तेजी से विकृत हो जाती है। श्वसन क्रिया एंजाइम की मदद से सामान्य दैहिक ताप पर होती है। सामान्य दैहिक ताप यानी 25 से 45 डिग्री सेल्सियस। दहन क्रिया में एंजाइम भाग नहीं लेते तथा यह क्रिया उच्च ताप पर होती है। फ्रेंड्स ये पांच मुख्य रूप से अंतर थे श्वसन और दहन में। केवल अंतर को ही मत याद रखिएगा, कामन चीज़ों को भी याद रखिएगा। कामन चीज़ें क्या है मैंने बताया है। श्वसन एवं दहन दोनों ही ऑक्सीकरण की क्रियाएँ हैं। दोनों में ऊर्जा ही मुक्त होती है। ऑक्सीजन का उपयोग होता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कॉमन चीज़ों को भी याद रखिएगा और अंतर को भी याद रखिएगा। इसके पहले की वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो